तो इससे पहले आज विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा। आज सुबह सरकार के खिलाफ 13 पार्टियों के तकरीबन 200 सांसद संसद परिसर में जुटे और गांधी स्टेचू के सामने धरना दिया। खास बात यह है कि अब तक विपक्ष से दूरी बनाए रखने वाली AIADMK के सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी दलों ने संसद के गेट नंबर 1 से लेकर गांधी स्टेचू तक विपक्षी नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नोटबंदी के ऐलान का विरोध किया। और इस विरोध प्रदर्शन में आपको बताएं कांग्रेस के 95, BSP के 7, SP के 24, NCP के 10, TMC के 45, RJD के 6, JDU के 18, YSR के 12, GMM के 2, DMK के 4, CPM और CPI के 21 सांसद शामिल हैं। हम लोगों की डिमांड ये है जो पिछले कई दिनों से कि जिस तरीके से आज आदमी रो रहा है, जनता लाइन पे खड़ी कर दी गई, लोग मर रहे हैं, 75 के ज़्यादा लोग मर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को आके सदन में और इन बातों को जो हम लोग कर रहे हैं उनके सामने को सुनना चाहिए और उसके बाद चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन वो इससे भाग रहे हैं और हम लोग उसी के विरोध में आ सकते। देखिए वो उनका कहना है क्योंकि वो हम मास्टर है हमेशा ऐसे जो लोगों में भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना। अरे हम तो ये कहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ हम नहीं हैं, खिलाफ उसके हैं जो तरीके आपने अपनाया है और गरीबों को जो तकलीफ हो रही है, छोटे व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, डेली वेज अर्नर्स को तकलीफ हो रही है, मजदूर और किसान को हो रहे, उसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बगैर सोचे समझे आपने जो किया है और उसका जो भुगतान गरीब लोग कर रहे हैं उसके हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। तो यूपी सरकार ने साफ किया है कि नोटबंदी से परेशान लोगों के साथ वो खड़ी है। सीएम अखिलेश यादव ने डीएम और एसपी को साफ निर्देश दिए हैं कि नोटबंदी से परेशान लोगों के साथ पुलिस वाले सहानुभूति रखें। सीएम ने कहा कि लापरवाह पुलिस वालों को सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर और संभल में बैंक की कतार में खड़े लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। संयम बरता जाए लोगों के साथ जो लाइन में बढ़ते हैं, खड़े हुए हैं, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से। चूंकि लाठी चार्ज का मामला सामने आया था फतेहपुर और संभल दोनों जगह से, और उसके बाद अब ये कहा गया है जो लापरवाह पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो हुआ क्या था यूपी के संभल में वो बताते हैं आपको। यूपी के संभल और फतेहपुर में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। संभल की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर स्टेट बैंक के बाहर लोगों की लाइन लगी थी और भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाइन में लगे लोगों को पुलिस ने पीटा जिसमें कई लोग जख्मी तक हो गए। ये कहा जा रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रही थी, इसलिए लाठी चार्ज कर दिया। Oh my God.